हाय फ्रेंड्स, चलो आज हम लोग बनाएंगे चिकन फ्राइड राइस। चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए फर्स्ट हम लोग ने राइस को बॉईल करने के लिए रखा है। अभी राइस बॉईल हो जाएगा। राइस बॉईल करते समय हम इसमें थोड़ा सा नमक और तेल डालेंगे। तेल डालने से क्या होगा, अपना चावल एकदम खिला खिला बनेगा। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। फ्राइड राइस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन चढ़ाया है, पैन में ऑयल डाला है और यहाँ पे लिया है मैंने 3 अंडा जो कि तोड़ के उसको फेंट लिया था, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के। अभी तेल गर्म हो गया है, अभी ये अंडा हम तेल में डालेंगे और इसको अच्छे से भुर्जी की तरह फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करके इसके पीसेस करके लेने अंडे के। इस तरह अब हम लोग ने इसके पीसेस करके लिए, एक साइड में अलग से निकाल के प्लेट में रख देंगे। अब जिस कढ़ाई में हमने अंडा फ्राई किया है उसी कढ़ाई में और थोड़ा सा तेल डाल के तेल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। इसमें मैंने राइस ऐड कर दिया है, उसी के साथ हम 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून विनेगर और 1 टेबल स्पून चिली सॉस, रेड चिली सॉस। उसी के साथ जो बॉईल किया हुआ एग है वो भी डालेंगे, फ्राई किया हुआ एग है वो भी डाल देंगे। और ये चिकन लिया है जो मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल के, उसके बाद में उसके छोटे छोटे पीस कर लिए वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है एकदम हल्के हाथों से। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही पकाना है, स्लो फ्लेम पे नहीं पकाना है, वरना राइस पूरा गाट गाट हो जाएगा, एकदम स्टिकी हो जाएगा राइस, ऐसे छुट्टा छुट्टा नहीं बनेगा। देखिए एकदम एंडिंग में हम लोग इस पर स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे। और अच्छे से एक बार फिर से हल्के हाथों से मिक्स करके लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सॉल्ट ऐड किया था, आपको बताना भूल गई थी, पर जब मैंने सब सॉसेस वगैरह ऐड किए थे उसके पहले ही सॉल्ट ऐड कर दिया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चिकन फ्राइड राइस बनके तैयार है। इसको मैंने गार्निश किया है थोड़े से स्प्रिंग ऑनियन के साथ। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करिए फॉर मोर रेसिपी।